आप पीजी हैं, इकोनॉमिक्स पब्लिक एड सोशियोलॉजी, और आप नेट स्लेट भी हैं। 2005 से 2010 तक आपने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरा फागी में अध्यापन कार्य किया, और उसके पश्चात आरएएस 2007 में आपका चयन हुआ, 2010 में आपको पोस्टिंग मिली, और 2010 से 2021 तक आपने डीवाईएसपी पद पर कार्य किया। आप जयपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, करौली में डीवाईएसपी के रूप में कार्य कर चुके हैं। एडिशनल एसपी के रूप में ये आपका पहला कार्यकाल है, तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मुझे इस पटल पे आपने आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने जो आज का जो टॉपिक मुझे दिया था वो है ऑनलाइन शिक्षा और जीवन और शिक्षा में तकनीकी का सार्थक उपयोग। इस विषय पर आज हमारी आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है। और अभी वर्तमान तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। परिचय वैसे जयराम जी ने दिया था, उसमें थोड़ा सा मैं एडिट कर दूं। एडिशनल एसपी के रूप में मेरी ये तीसरी पोस्टिंग है। पहली पोस्टिंग मेरी पुलिस मुख्यालय रही और दूसरी पोस्टिंग जैसलमेर और थर्ड पोस्टिंग यहाँ पर। एस डीवाईएसपी मैं झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली और जयपुर में मुख्यमंत्री सुरक्षा में मैं सेवाएं दे चुका हूँ। मेरे साथ टीचिंग जो प्रोफेशन है उसका बहुत सम्मान करता हूँ और उससे मेरा बहुत लगाव रहा है। और इसीलिए जब मुरलीधर जी सर ने मुझे कहा कि साहब एक बार आप हमारे टीचर्स के साथ जुड़े हैं, तो मुझे अध्यापक के रूप में, मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, सरकारी स्कूल में भी मेरा ठीक ठाक एक्सपीरियंस बढ़ाने का, और बच्चों के साथ और आप लोगों के साथ काम करके हमेशा मुझे अच्छा ही लगता है। जीवन और शिक्षा में तकनीकी का उपयोग विषय पर आज हम बात करेंगे। आप सब लोग इस चीज से परिचित हैं कि तकनीक चाहे अनचाहे रूप में, चाहे आप चाहें या नहीं चाहें, लेकिन प्रत्येक जगह हमारे आसपास मौजूद है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो तकनीकी ज्ञान से या तकनीकी के उपयोग से अछूता हो। और अभी भी ऑनलाइन क्लासों का, ऑनलाइन हर चीज ऑनलाइन करने का एक मॉडल सा चल रहा है, एक ट्रेंड सा चल रहा है। कोरोना की जो परिस्थितियां पिछले साल से उत्पन्न हुई है उसके कारण आप लोगों के सामने भी ये चुनौती आई कि आप बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, किस तरह से हम उन तक पहुंचे। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को होमवर्क दिया करें, उनको आप शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाएं, इस तरह का एक गवर्नमेंट के निर्देशों पे। तकनीकी को अगर परिभाषित हम करें तो मेरे से विद्वान लोग इस समूह में मौजूद हैं, मुझे ज्यादा वो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान जो है, सैद्धांतिक विज्ञान है, जब उसको प्रयोग में हम लाने का प्रयास करते हैं, प्रयोग में लाने का कोई तरीका निकालते हैं, वही तकनीकी है। और वर्तमान में तकनीकी का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उससे अछूता हो। देख लें, संचार में दूर संचार है, अभी हम बात कर रहे हैं जिस ऐप से जुड़े हुए हैं वो भी एक इसका प्रकार है। मनोरंजन के रूप में आप देख सकते हैं आपके चैनल्स हैं, न्यूज चैनल हैं, इसके अलावा आपके टीवी चैनल हैं, इसके अलावा आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी, प्राइम वीडियो, ये अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारी। सुरक्षा के क्षेत्र में हम देख सकते हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में चाहे हमारी सेना हो, चाहे हमारी पुलिस एजेंसीज हो, हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, और इवन वहां से भी नीचे छोटे लेवल पर हम सुरक्षा के रूप में, घर पर ही देख लीजिए, कई लोग अपने घर पे, दुकानों पे सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल करते हैं, आजकल स्मार्ट लॉक भी लोग इस्तेमाल करने लग गए। तो ये सब टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं उपयोग है। बैंकिंग कार्य में आप देख सकते हैं, बैंकों का आजकल सारा काम ऑनलाइन होने लग गया, आप पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन रुका सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे बैलेंस चेक कर सकते हैं, मोबाइल से पैसे भेज सकते हैं, मोबाइल से पैसे ले सकते हैं। तो ये सारा काम टेक्निकल में है। सरकारी काम आप देखते हैं, सरकारी काम में सरकारी ऑनलाइन ही हमारी जाती है वापस। ई मित्र आपके जगह जगह खुले हुए हैं और ई मित्रों के माध्यम से बहुत सारी सरकारी सेवाएं हम लोग ले पाते हैं। इवन आप लोगों का भी एक मुझे
मैं जब टीचर था तब तो नहीं था, लेकिन उसके बाद में शाला दर्पण नाम से शायद अभी कोई सॉफ्टवेयर या कुछ आपका चलता है, शाला दर्पण में बहुत सारे कार्य आप लोग संपन्न करते हैं, तो वो भी एक तकनीकी का ही उपयोग है। चिकित्सा क्षेत्र में हम देखते हैं अभी जैसे ये महामारी चल रही है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है आपको ऑनलाइन सलाह दे रहे हैं, ऑनलाइन आपकी रिपोर्ट्स भेजी जा रही है, तो कुल मिला के तकनीकी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे हम अछूते हैं। और आम जीवन में देखो आप, बहुत ही आम, अगर आम लेवल पर हम देखें तो आप देखते हैं कि मोबाइल फोन सबसे चाहिए कि इस तरह का कीपैड मोबाइल हो, चाहे स्मार्टफोन हो, ये सबसे एक आसान, सबसे एक आसान उदाहरण है आपके तकनीकी के प्रयोग का। कंप्यूटर घर में, कंप्यूटर सर इलेक्ट्रिक, हमारा सबसे एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया था, कंप्यूटर है आपके, इलेक्ट्रिक उपकरण है, वाहन है, वाहनों में भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आने लग गए, काफी गाड़ियां दूर से स्टार्ट होती हैं, दूर से बंद हो जाती हैं। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है, आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, और कई सारे ऐप्स हैं जो मनोरंजन के साधन बने हुए हैं। पेमेंट ऐप्स बहुत हैं आजकल, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपका गवर्नमेंट ने सपोर्टेड जो ऐप था भीम ऐप, वो जगह जगह सबके मोबाइल पे अवेलेबल है। पेटीएम सबसे पहले आया था इंडिया में, पेटीएम है, इसके बाद तो और बहुत सारे हो गए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है आपका, अमेजोन पे है, काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि इस तरह का वो कर रहे हैं, तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आपका परंपरागत शिक्षण में हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड हमारा सबसे वो था, मतलब ब्लैक बोर्ड और चौक सबसे पुराना एक माध्यम था, गुरुजी हमें पढ़ाते थे और बड़ा अच्छा लगता था। चार्ट, पुराने टाइम में कुछ चार्ट बना सकते थे, बनवा के लाते थे, नक्शे का उपयोग हम करते थे, मॉडल भी बना सकते थे, चित्र और रेखा चित्र अक्सर बनाया करते थे, किताबें कॉपियां होती थी, ये पुराने हमारे साधन थे। वर्तमान परिदृश्य में आप देखें अगर तकनीकी का प्रयोग शिक्षा में हम बात करें तो आजकल ऑनलाइन क्लासें बहुत सारे लोग लेते हैं, आप में से भी कई सारे शिक्षक बंधु जो है, क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मतलब एक जगह से कैमरा और माइक्रोफोन के जरिए एक जगह से क्लास का प्रसारण कई जगह होता है, और इस तरह का मॉडल राजस्थान की सरकार में भी, राजस्थान सरकार के जो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, मैंने एक बार डाइट जैसलमेर का विजिट किया था, तो डायरेक्ट जैसलमेर में ये ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने मुझे वहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि आप इस तरह से हम एक वर्चुअल क्लास लेते हैं। तो ये एक मतलब तकनीकी का प्रयोग है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। तकनीकी का सबसे अगर आप पुराना प्रयोग देखें तो आज से पहले, मतलब 30-40 साल पहले तक जैसे क्लासों में पढ़ाई होती थी, बाद में महसूस किया गया कि यार कुछ लोग कॉलेज नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की और इग्नू की स्थापना हुई। इंदिरा गांधी ने वीडियो ऑफ कर लो आप, इग्नू की स्थापना के बाद में फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, तो हम आपको ध्यान होगा दूरदर्शन पे एक चैनल आया करता था ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान दर्शन में कभी कभी किसी विषय विशेष को लेके कोई एक्सपर्ट आते थे और वो उसमें अपना पाठ उसमें पढ़ा के जाते थे, उसमें कई बार गणितीय कक्षाएं भी होती थी, कई बार विज्ञान की कक्षाएं होती थी या और किसी की होती थी। तो वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग पढ़ाने लिखाने में होने लग गया है। वर्तमान परिदृश्य में ऑनलाइन क्लासें आपकी हो सकती है, ऑडियो विजुअल्स मतलब वीडियो आप बना के भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, 3D मॉडल्स टीवी पे आप, आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये शो कर सकते हैं, ऑनलाइन मटेरियल ईमेल से हम भेज सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पर भी कुछ कुछ छोटे वो भेज सकते हैं, लाइव डेमो आप दे सकते हैं वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लाइव डेमो, जैसे कई बार टीवी पर आप देखते होंगे रसोई का एक वो प्रोग्राम आता है जिसमें एक मैडम है जो वो होस्ट करती है उसको, और वो किसी न किसी को नई रेसिपी बनाने का एक विधि बताती है, तो इस तरह का एक लाइव डेमो दिया जा सकता है।
आजकल जो पढ़ने पढ़ाने में जो उपकरण काम में आ रहे हैं उसमें कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, टैबलेट है, ई बुक्स बहुत पॉपुलर हैं, मेरे पास भी एक ई बुक रीडर है जो मैं अक्सर काम में लेता हूँ, ईमेल है, पीडीएफ लोग भेजते हैं, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर किसी भी चीज़ को एनलार्ज करके और स्क्रीन पे दिखाने का और उसको एज ए पिक्चर चलाने का एक वो आता है, तो प्रोजेक्टर है, पुरानी चीज़ हो गई लेकिन लेटेस्ट प्रोजेक्टर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के और अच्छे उन्नत किस्म के आ रहे हैं, तो वो एक है। वेबकैम और माइक्रोफोन है, उनके जरिए अच्छी वो हो रही है। और इसके अलावा कुछ ऐप्स हैं जो कि जैसे अभी हम इस पे आपके माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग्स पे, माइक्रोसॉफ्ट जो मीटिंग ऐप है उसके माध्यम से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, इसी तरह से जूम का एक है, जूम ऐप है, गूगल मीट का एक है, गूगल का एक गूगल क्लासरूम नाम से भी एक ऐप है जो कि अच्छा पॉपुलर ऐप है। तो इनके जरिए जो है डेडिकेटेड तरीके से ये ऐप जो है पढ़ने पढ़ाने के काम में आते हैं। और कुछ लोगों ने जो बहुत पॉपुलर जिन्होंने केवल एजुकेशन में ही इस चीज को आगे ले जाने की कोशिश करी, वो लोग पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं एजुकेशन में। आपने बायजूस का नाम करीब करीब मैं सबने सुना होगा, आजकल एक एड आता है टीवी पर, एक बच्ची अपने फादर से कहती है कि पापा आजकल आप पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पूछते हो, तो पापा कहते हैं कि बेटा आजकल हाँ सर, हाँ सर, खुद अपने आप पढ़ने लग गए हो। तो फिर उसमें आता है कि भाई वो बायजूस आप डाउनलोड करिए, आप पापा से पार्टनर तक का सफर तय हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बायजूस बहुत पॉपुलर लर्निंग ऐप है बच्चों के लिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक अनएकेडमी करके एक ऐप है, ऐप नहीं है बल्कि प्लेटफॉर्म है, अनएकेडमी में मैं आपको बताना चाहूंगा, अनएकेडमी रोमन सैनी नाम के हाईएस्ट अप्रूवर थे। तो रोमन सैनी ने आईएएस छोड़ के बाद में उनको लगा कि मैं एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहता हूं, तो उन्होंने रोमन सैनी और उनके एक साथी ने मिलके और अनएकेडमी की स्थापना की, उन्होंने आईएएस से इस्तीफा दे दिया और आज अनएकेडमी बहुत पॉपुलर ब्रांड बन चुका है। एक यूडेमी करके एक और प्लेटफॉर्म है, तो यूडेमी पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो यूडेमी की फीस भी काफ़ी कम है, हालांकि यूडेमी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, बट कई लोगों को जैसे केवल सर्टिफिकेट की चिंता नहीं है, केवल सीखना ही है, तो यूडेमी बहुत अच्छा एक पॉपुलर वो है। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स हैं, कई लोगों ने यूट्यूब चैनल अपने अपने बना रखे हैं, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, अगर आपके टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप खुद का अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कई लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। शिक्षा जगत में इस तकनीकी का यूज जो है वो फायदेमंद है, किस तरह से है, क्या क्या फायदे हैं, ये हम अगर डिस्कस करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा एक पॉसिबल है। आज मैं मेरे ऑफिस में बैठा बैठा हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर। विजय कुमार जी वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। तो दूरस्थ शिक्षा जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आसान हो गई। दूसरा फायदा ये है कि इसमें शिक्षा का एक मनोरंजक और आकर्षक रूप जो है वो सामने आया है, आप बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बना के, बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल्स बना के, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बना के, डायग्राम बना के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तीसरा चीज़ है इसमें विषय विशेषज्ञों से शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। सपोज करिए कि हमें बायोलॉजी का कोई टॉपिक किसी पर्टिकुलर लेक्चरर से सुनना है, हो सकता है उनका आना यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो, लेकिन हम उन्हें कभी इनवाइट करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो वो वहाँ अपने घर बैठे बैठे या अपने ऑफिस में बैठे बैठे हमें उस टॉपिक को समझा दें। तो टॉप एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे हम डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, उनसे पढ़ भी सकते हैं, तो ये फायदा हुआ है। तीसरा है तुलनात्मक रूप से ये सस्ता है। कई बार जैसे आप किसी पर्टिकुलर टीचिंग मतलब कॉलेज में जाके या पर्टिकुलर किसी कोचिंग संस्थान में जाके या किसी अध्यापक विशेष से पढ़ना चाहें तो हो सकता है वो महंगा पड़े, और हो सकता है उन्हीं का बनाया हुआ कोई छोटा कोर्स जो है वो आपको 1000-1200 में मिल जाए, तो कंपेरेटिवली सस्ता है। इसके अलावा एक फायदा है कि कहीं भी कभी भी मोड पर काम कर सकता है, जैसे आप में से हो सकता है कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा हो, कोई घर में बैठा हो, कोई दुकान में बैठा हो, मैं मेरे यहाँ कार्य क्षेत्र में बैठा हूँ, तो यहाँ से भी हम कनेक्ट हो रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं भी आप जुड़ सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं। एक फायदा है कि स्टोरेज में आसानी है, आप
पेन ड्राइव में, आप सीडी में, आप आपके अगर लैपटॉप में या आपके इसमें मोबाइल में स्पेस है उसमें भी कोई चीज़ आप देख सकते हैं, और बाद में आप अपने सुविधा के हिसाब से उसको देख सकते हैं। एक और फायदा है इसमें कि आप जैसे आपका वीडियो या ऑडियो आपके पास रिकॉर्डेड है तो आप उसको जब चाहे देख सकते हैं। सपोज करिए कि मुझे अभी टाइम नहीं है, ठीक है, मुझे रात को फुर्सत मिलेगी तो मैं रात को पढ़ रहा हूँ, बच्चा रात को पढ़ सकता है। तो ये एक इसमें टेक्नोलॉजी के फायदे हैं जो कि हमें शिक्षा जगत में हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन करना चाहूँ, केवल फायदे फायदे नहीं है, ये रास्ते जो हैं वो थोड़े अंधेरे भी हैं, कहीं कहीं खतरनाक भी साबित होते हैं, उन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा देखना। तो चुनौतियाँ इसमें क्या क्या हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे बड़ी चुनौती है विशेष रूप से हम जैसे जो अध्यापक जगत है उसमें प्रशिक्षित जो टीचर्स हैं उनका अभाव है। बहुत ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है हमें से, कईयों के पास आज की तारीख में भी कीपैड मोबाइल ही है, और कई अध्यापक बंधुओं के पास स्मार्ट मोबाइल है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठीक है उसमें बात कर लेते हैं, कभी कोई व्हाट्सएप चला लेते होंगे, बट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है कि वो उस पर पढ़ा सकें या उस पर ऑनलाइन कोई चीज़ भेज सकें, ईमेल कर सकें। तो वो थोड़ा सा ट्रेंड स्टाफ की एक कमी है। दूसरी चुनौती है भारत जैसे देश में, राजस्थान जैसे प्रदेश में, हमारे निचले तबके के समाज में गरीबी बहुत व्यापक है। आप देखते हैं कई लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, बेसिक सुविधा ही नहीं है। तो जब बेसिक सुविधा ही नहीं है तो फिर उस चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है कि भाई ऑनलाइन वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की कमी भी एक चुनौती है। जैसे सपोज करिए इस मीटिंग की शुरुआत में ही हम लोगों ने जैसे बीच बीच में ग्लीचेज आ जाते हैं, कभी ऑडियो कट जाता है, कभी वीडियो कट जाता है, कभी नेटवर्क इश्यू आ जाता है, कभी फ्रीक्वेंसी कम आती है। तो तकनीकी समस्याएं जब तक फिर वो मजा नहीं आता, एक बार तारतम्य टूट जाता है वक्ता का या श्रोता का तो उसका ध्यान बार बार भंग होता रहता है और वो कई बार उसको दिक्कत होती है, ये एक इसमें रहती है, दिक्कत रहती है। वर्चुअल क्लास में छात्रों में एकाग्रता की कमी देखी गई है। आपकी जो लाइव जो क्लास होती है जिसमें आप 30 या 40 स्टूडेंट्स को बैठा के पढ़ा रहे हैं और उनमें जब वो टीचर और स्टूडेंट के बीच जो बॉन्डिंग होती है, जो आई कॉन्टैक्ट होता है, उस आई कॉन्टैक्ट से बच्चे जो एक बच्चे में थोड़ा सा गुरुजी के प्रति सम्मान भी होता है और कह यार गुरुजी की वॉच मेरे ऊपर है, वो चीज़ ऑनलाइन क्लास में नहीं होती और इसीलिए छात्रों का जो है ध्यान इधर उधर कई बार भटकता रहता है और कक्षा पर नियंत्रण का अभाव भी रहता है। आप सब हम जो फिजिकल हमारी जो क्लास होती है उसमें कोई बच्चा उधम कर रहा है तो उस पर हम उसको पनिश भी कर सकते हैं, भैया खड़ा हो जाए साइड में, कई बार हम मुर्गा बना देते हैं, पीटते हैं नहीं पीटते, आई डोंट नो, आजकल तो मेरे ख्याल से पीटना कम हो गया, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, बाकी हम तो खूब पीटे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्लास में एक नियंत्रण जो होता है वो ऑनलाइन क्लास में नहीं रहता है, एक ही दिक्कत है। इसके अलावा ये चीज सभी छात्रों के लिए अनुकूल नहीं है। फिजिकल जो हमारी जो क्लास होती है जिसमें हम सब आमने सामने होते हैं तो उसमें गुरुजी औसत बच्चे से लेके सबसे होशियार बच्चे का, जो सबसे कमजोर बच्चा है उसको सबको साथ लेके पढ़ाने का एक प्रयास करते हैं। इसमें कई बार जो बच्चा टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा माहिर है, जो एक बार में ग्राफ्स कर रहा है तो वो तो सीख लेता है, लेकिन सपोज करिए कोई बच्चा औसत से भी कमजोर है तो उन बच्चों को कई बार इसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये एक चुनौती है जिसको कभी आप लोग ऑनलाइन माध्यम से कभी क्लास लें तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जो स्टूडेंट आपका वीक है उसको आप जरूर संबोधित करें और उसको उस पर ध्यान दें। इसके अलावा ये बच्चों के मानसिक विकास में ऑनलाइन क्लासेज बाधक साबित हो सकती है। मैं नहीं कह रहा भाई होगी, लेकिन हो सकती है, क्योंकि इसमें बच्चा जब तक क्लास में नहीं जाएगा उसमें बहुत सारे और जो गुण विकसित होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, तो मानसिक विकास में ये एक आपके बाधा बन सकता है। जैसे जब बच्चे आपस में जाते हैं, क्लास में जाते हैं तो टीचर्स के साथ में आपस में उनके बॉन्डिंग पैदा होती है, टीम भावना बनती है, मित्र बनते हैं, कई बार वो सहयोग करते हैं, कई बार आप लोग उनको फिजिकली एक प्रोजेक्ट दे देते हैं जिसपे 3-4 बच्चे मिलकर काम करते हैं। बंद कर दो ना आप महावीर जी, वो वीडियो ऑफ कर दो आपका। तो मैत्री, टीम भावना, सहयोग आदि मानवीय जो गुण हैं
वो हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज होती है जो आमने सामने बैठ के हम पढ़ाते हैं पढ़ते हैं उसमें वो चीज़ अपने पास में होती है, जबकि ऑनलाइन क्लासेज में वो चीज़ मिसिंग होती है। इसके अलावा सबसे जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहना चाह रहा हूँ, आज के युग में बच्चा साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है। राकेश कुमार सैनी जी, आप भी वीडियो ऑफ कर दो सर, क्योंकि ऑनलाइन बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो बीच बीच में कई सारे पॉपअप्स अपीयर होते रहते हैं, ठीक है, या माता पिता तो देख रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है वो अपनी क्लास में कनेक्ट नहीं होकर ऑनलाइन कोई और चीज़ सर्च कर रहा हो। आजकल बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा हिंसा से, बहुत ज़्यादा ऑब्सीन मटेरियल से भरे हुए रहते हैं। आपके पहले एक पबजी नाम का एक गेम था जो काफ़ी पॉपुलर था और उस कई लड़कों ने, कई बच्चों ने मतलब सुसाइड तक वो बच्चों को ले गया। इसी तरह से कई सारे और गेम्स हैं जो कि बच्चों में हिंसा की भावना पैदा करते हैं, ऑनलाइन ऐसे गेम्स की तरफ बच्चा चला जाता है। कई बार जो है बच्चा ऑनलाइन किसी से दोस्ती कर लेता है, फेसबुक पे अपना अकाउंट बना लेता है, जिस व्यक्ति से वो दोस्ती कर रहा है उसको जानता ही नहीं कि वो बच्चा भी ये लड़का है या लड़की है या कोई अपराधी है, कौन है कौन नहीं, बट ऑनलाइन फ्रेंडशिप के जरिए चैटिंग शुरू होती है और बाद में जाके और बहुत ज़्यादा ट्रबल में वो व्यक्ति पड़ जाता है, बच्चा पड़ जाता है। ऐसे दो तीन केसेस मैं जैसलमेर था तब हमने हैंडल किए, और बच्चा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बड़े भी शिकार हो जाते हैं ठगी के। तो साइबर क्राइम का एक हमेशा इसमें खतरा मंडराता रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी की जो है कुछ कमियां जो मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, लेकिन क्या कमियों के कारण हम इनसे टेक्नोलॉजी के यूज से बच सकते हैं, तो ऐसा मैं मानता नहीं। इसमें निष्कर्ष रूप से अगर हम बात करें, निष्कर्ष के रूप में बात करें, तो परंपरागत शिक्षण के साथ में और उसके पूरक के रूप में हम ऑनलाइन एजुकेशन को और टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट मैं आपके से शेयर करना चाहूँगा कि अध्यापक और अभिभावकों की निगरानी ज़रूरी है। जब भी बच्चा पढ़े, जब आप ऑनलाइन क्लास लें, तो बीच बीच में बच्चों से सबसे, जैसे अभी सर मान लो कोई वीडियो ऑन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो तुरंत हो गए हैं, उसी तरीके से आप भी सोनू मोनू जो भी आपके उससे कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, तो उनको बीच बीच में टोकते रहें, बीच में प्रश्न पूछते रहें, ताकि बच्चा कनेक्टेड रहे और उसको पता है कि यार गुरु जी का ध्यान है मेरे ऊपर। इसके अलावा एक सावधानी है कि इसमें समय की पाबंदी, ये पेरेंट्स को ध्यान रखने की चीज़ है, आप पेरेंट्स को भी अवगत कराएं, पेरेंट्स से संपर्क में रहें कि भाई जैसे आपने तो क्लास तो दिन में ही ली थी, अब बच्चा रात को कभी कह रहा है कि मैं तो क्लास ले रहा हूँ, तो पेरेंट्स के साथ भी आप कभी कभी ये चीज़ें शेयर करते रहें कि भाई एक बच्चों के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दें कि भाई 10 बजे बाद में तेरे को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करनी है, या इतने बजे बाद में टीवी नहीं देखना है या मोबाइल नहीं देखना, तो वो एक। इसके अलावा चुनौतियों और खतरों से बच्चों को बीच बीच में आगाह करते रहें, जब आपकी ऑफलाइन कभी क्लास हो, बच्चों से मीटिंग हो, तो उनको बताएं किस किस तरह के क्राइम आजकल की दुनिया में हो रहे हैं, जिन मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, तो हम उनको खतरों से आगाह करते रहेंगे तो वो भी थोड़ा सा सचेत रहेंगे। इसके अलावा परंपरागत जो हमारी स्किल्स है, लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, सुनने की, गाने की, जैसे कविता वगैरह गा के सुनाते थे पहले उसमें बाल सभा में, तो उनके उनके सुधार पे हमें ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से ध्यान देना है। ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में किसी बच्चे को आप कह सकते हैं भैया कि आप चलो एक पोएम सुनाइए या आप कुछ स्वरचित कोई चीज़ सुनाइए, लेकिन जो परंपरागत स्किल्स है उन्हें हम इग्नोर नहीं करें, ये हमें ध्यान रखना है। बच्चों को और बड़ों को, मतलब टीचर्स को भी इस बात का ध्यान देना है, वेब जो है, इंटरनेट जो है, वो इतनी बड़ी दुनिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो कृपया मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप अनजान चीज़ों पर, अनजान की तरफ नहीं जाएं। मतलब कई बार जैसे कई लोग आपको भेजते हैं कि ये ब्लू लाइन को टच करिएगा आपको कुछ मिलेगा, या देखो रिलायंस ने फ्री उसका जो है ऑफर दिया है रिचार्ज का, ऐसे कई सारे मेल आते रहते हैं और मैसेज आते रहते हैं, उन पर लिंक भेजा जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए। तो कभी भी अननोन और जो भरोसेमंद लिंक नहीं है उस पर कभी भी क्लिक नहीं करना। क्लिक भी कर दें तो बाकी जब वो जानकारी मांगे तो कृपया उसमें अपनी ऑनलाइन कोई भी जानकारी शेयर नहीं करें, तो निजी जानकारियां शेयर नहीं करें, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपका कोई पासवर्ड उसमें नहीं डालें, तो ये चीज़ हम हमेशा ध्यान रखें। ऑनलाइन अगर आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बेहतर जो सुरक्षात्मक उपाय हैं
वो आप अपनाएं। सुरक्षात्मक उपायों का मतलब है जैसे पेरेंटल कंट्रोल, कई जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें भी आता है, टैबलेट्स में आता है, कंप्यूटर में आता है। पेरेंटल कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें फिर पेरेंट्स के हाथ में रहती है। इन कहने का मतलब बच्चा केवल उन्हीं चीज़ों को एक्सेस कर सकता है जो उसके काम की है, बाकी चीज़ों को वो नहीं कर पाएगा। दूसरा, पेरेंटल कंट्रोल में आप बाद में देख भी सकते हैं बच्चे ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या देखा था। तो पेरेंटल कंट्रोल एक तरीका है उसको वो सेट करने का। इसके अलावा आपके फ़ोन में और उनमें आप जो है अपने एंटीवायरस वगैरह वो भी डलवा सकते हैं। इसके अलावा विश्वसनीय साइट और ऐप का ही प्रयोग करें। विश्वसनीय साइट्स मतलब कभी भी आप कभी कोई ऑनलाइन आपके पास ऑफर आता है या टीचिंग मेथड में भी कभी कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो आप उसका रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लें, उसके बारे में दूसरे आपके साथियों से चर्चा कर लें कि जो चीज़ आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो मतलब विश्वसनीय है कि नहीं है, उसका क्या वो है। सुरक्षात्मक जो सॉफ्टवेयर हैं, एंटीवायरस हैं, जैसे आपके एक क्विक हील करके उसमें टीवी पर एड आता रहता है, इसके अलावा फायरवॉल्स आते हैं जो, तो ये हमें हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को जो है वो सुरक्षित रखते हैं। कभी कोई वायरस अगर उसमें आता है तो वो हमें आगाह कर देते हैं कि यार ये इसमें वायरस है। तो इन चीज़ों से हमें पता रहता है कि भाई हमारा सिस्टम सुरक्षित रहता है। इसके अलावा अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले, मेरे एक हमारे एक साथी हैं नरेंद्र चौधरी एडिसन एसपी, तो वो एक ट्रेनिंग के टाइम बड़े इंटरेस्टिंग बात कहते थे कि यू कैन लव मी और यू कैन हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। आप मेरे से मुझे पसंद कर सकते हैं, मुझे नापसंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। तो वही चीज़ मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कहना चाहूँगा, आज के टाइम में आप टेक्नोलॉजी को पसंद कर सकते हैं चाहे नापसंद कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा हमें घेर चुकी है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि हम टेक्नोलॉजी के साथ में थोड़ा एडेप्ट हो जाएं, थोड़ा सीखें, थोड़ा सीखने का प्रयास करें। ठीक है, तो मैं मेरी बात में यही समाप्त कर रहा हूँ। अब हम इस सेशन को थोड़ा सा आपस में चर्चा के लिए रखेंगे। आप में से कोई भी साथी इस विषय पे या किसी पुलिसिंग संबंधी विषय पे अपनी बात रखना चाहे, सादर आमंत्रित है, हम चर्चा करेंगे, बात करें। ओवर टू यू सर, मुरलीधर सर। हाँ सर, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने रखी और हम अब चर्चा का समय रख रहे हैं, प्रश्नोत्तरी का समय रख रहे हैं या सवाल जवाब का समय रख रहे हैं। तो इसमें ऐसा करते हैं कि एक बार जो भी साथी सर ने जो बात रखी उस पर कोई सवाल हो, कुछ जानना चाहे तो वो सवाल रखें, और जब 5-7 सवाल हो जाएंगे तो उन पर एक साथ बात कर लेंगे। तो जो भी साथी अपनी बात रखना चाहे, सवाल रखना, कुछ जानना चाहे, अनम्यूट नहीं आ रही सर, आप अनम्यूट होके अपनी बात रखें तो हम सुन पाएंगे। आवाज कट रही सर, मेरी आवाज कट रही है? जी हाँ, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। ठीक है, तो जय सिंह जी सर। जी सर, सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद दूंगा, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखी है और करीब करीब जिन मुद्दों के बारे में हम जानना चाहते थे वो सभी आपने अपनी वार्ता में शामिल किए हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक जिज्ञासाएं हैं सर। पहले तो मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपके मन में प्रशासनिक सेवाओं में जाने का भाव किस तरह से पैदा हुआ और आपने क्या इसके लिए प्रयास किए, तो हमारे युवा साथी जो कुछ एग्जाम दे रहे हैं उन्हें भी ये प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद सर। तो सर ये ऐसा करते हैं, अभी और भी साथी जो भी सवाल रखना चाहे वो एक साथ रख दें। बिल्कुल, ये ठीक रहेगा सर। हाँ ठीक है, बाकी साथी एक एक सवाल अपने जो भी रखना चाहे रख लें, फिर मैं एक साथ उनके जवाब दे दूंगा बारी-बारी से। हाँ ये सही रहेगा। तो आप सभी म्यूट पर हैं, तो जो सवाल रखना चाहे, विचार रखना चाहे, वो अनम्यूट होके अपनी बात रखे, फिर वापस म्यूट पर चले जाएं। हेलो सर, नमस्ते। हाँ बोलिए किला जी। हाँ मैम बोल रही थी, अगर मैम बोलना चाहे तो पहले वो बोल लें। मैम बोलिए प्लीज। हाँ भाग्यश्री जी बोलिए। हाँ सर नमस्ते, मैं टिंकू शर्मा हूँ देखवास स्कूल से। मैं ये कहना चाह रही थी कि सर ने बहुत अच्छा समझाया हमें, बहुत अच्छा
बहुत अच्छा लगा सर की बातों को सुन के। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कई बार फेसबुक हैग हो जाती है, सर से ये पूछना चाह रही थी कि जैसे फेसबुक हैग हो जाती है तो किन कारणों से हैग हो जाती है, और इन दिनों में इतना मैटर चल रहा है इस फेसबुक का तो हम क्या करें। हालांकि मैं फेसबुक नहीं चलाती पर सुन के बहुत डर सा लगता है कि अब क्या होगा, यही पूछना। हाँ ठीक है मैडम, आपके सवाल को लिख लिया है, बाकी और भी कोई साथी अपनी बात रखना चाहे। हेलो, हाँ बोलिए अरुणा जी। मैडम मेरी आवाज ही नहीं जा रही क्या? आ रही है आपकी आवाज, आ रही है अरुणा जी, बोलिए। मैं भी ये बोलना चाह रही थी सर, जो सर ने भी जाता। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ अरुणा जी। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। अरुणा जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, तो आप चैट बॉक्स में लिख के भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं, आपकी बेटी से कहिए वो लिखवा देगी, अभी आप जयपुर में हैं तो ठीक है ना। आप तो, आ रही है क्या? जी जी आप चैट बॉक्स। हाँ बोलिए बोलिए। आप म्यूट पर गए अरुणा जी, अनम्यूट होइए पहले। ठीक है, तब तक कोई और साथी अपनी बात रखे। हेलो, हाँ बोलिए सर। जय राम जी। हाँ मैं निवेदन कर रहा था, सामने बहुत कुछ थोड़े समय में बहुत कुछ बताया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई। और आपका एक बच्चा है वो एसआई की तैयारी कर रहा है, तो उसके आंखों में चश्मे लगे हुए हैं, तो क्या इसमें चश्मे हटवाने पड़ेंगे या चश्मे वाले को इसमें एंट्री दी जाती है, इस बारे में साहब थोड़ा बताए तो अच्छा रहेगा। आप कौन कैलाश? आपका सवाल लिख लिया गया है, और भी कोई साथी? आप बोलिए सर। हाँ सर नमस्कार, मैं राजाराम गुजर। हाँ राजाराम सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप पहले टीचर थे तो आपने इसमें पुलिस लाइन में जाना ही क्यों पसंद किया, जबकि कहते कॉलेज लेक्चर भी हो सकते थे आप, तो यही क्यों चूज किया सर? थैंक यू सर। ठीक है सर, तो अभी चार सवाल आ गए हैं, एक सवाल और ले लेते हैं फिर पांच पर एक साथ बात कर लेंगे। हाँ मुरली जी, राकेश जी नमस्कार सर। हाँ बोलिए सर। सचिन जी मेरी आवाज आ रही सर? आ रही आपकी आवाज आ रही। हाँ तो राकेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, इतनी कम समय में इतनी बड़ी अच्छी जानकारी दी। मैं थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ सर, दो मिनट का टाइम हो तो मैं बोलना चाहूंगा इस पे। जी जरूर। हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि जैसे विश्व में सबसे ज्यादा 50% लोग अपने भारतीय है, उनमें जो लगभग 68 करोड़ यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, लेकिन हमें अनेक ऐसे लिंक आ रहे हैं, अनेक ऐसी भ्रमित न्यूज आती है सोशल मीडिया पर, अनेक प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कुछ कंटेंट भी आते हैं, जिनमें एक ही जगह पर चार जने बैठे हुए हैं, वो चारों ही कोई अब्दुल से, कोई राम से, कोई रहीम से, एक ही जगह से वो एक अनेक विचारधाराओं को जनमानस को में इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं। और सर ये टेक्नोलॉजी थी जो जो इतने सालों से जो किसान जमीन और बादल देकर अपनी जमीन खेती बाड़ी करता था, आज वो मौसम हो या आंधी तूफान आ रहे हैं, इनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से जान माल की रक्षा कर पाया है। और रही बात कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर दुष्प्रभाव की, तो सर समाज के कुछ कांटों को निकालने के लिए पूरे पेड़ को तो काट नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत तो ये होता ही है, और जब जागरूकता आएगी तो सर हम इसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। और एक और जैसे बच्चों को हम जो हम आजकल व्हाट्सएप पे है, तो अनेक प्रकार के और
अगर ये कंटेंट को अपलोड करे तो उनके लिए बल तो आवाज साफ नहीं आ रही सचिन जी आपकी, आवाज साफ नहीं आ रही है सर आपकी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो बातें हाँ इधर से। जी सर, जयसिंह जी ने मेरे प्रशासनिक सेवा के बारे में और मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा था, तो मैं आपको निवेदन करूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मेरा फागी तहसील में गांव है। और बीएड करने के बाद में मेरा 2005 की जो भर्ती हुई थी आरपीएससी से, उसमें थर्ड ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हुआ था। थर्ड ग्रेड में होने के बाद में दो तीन साल बाद में फिर वैकेंसी आई थी, दो साल बाद में 2007 में। तो उस दौरान फिर आरएएस का फॉर्म भरा और घर पे रह के तैयारी की, तैयारी सेल्फ स्टडीज ठीक ठाक हो गई थी, तो मेरा आरपीएस में सिलेक्शन हो गया। तो मेरा प्रथम चॉइस तो आरएएस थी, लेकिन दूसरी चॉइस मेरी पुलिस सेवा थी, पुलिस सेवा मुझे मिली। और उसके बाद फिर हालांकि मैंने नेट वगैरह कर रखा था, जेआरएफ भी मेरा हुआ था पब्लिक एड में, लेकिन उसमें आने के बाद फिर मैंने उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं इसमें पुलिस में आ गया। तो तैयारी करना चाहें तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, आपके कोई भी हो सकता है, अभी हमारे स्टाफ में से भी कुछ लोग कर रहे हों जो युवा साथी हैं कर सकते हैं, और अगर हम लोग सीनियर हमारे बच्चे अगर कर रहे हैं उनको भी हम गाइड कर सकते हैं। आप में से कोई भी आपका बच्चा है चाहे कोई भी अपने परिवार का सदस्य है, कभी भी संबंध में कभी मालपुर आना हो तो मिल सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। एक पिंकू शर्मा मैडम डेंचवास से पूछा था फेसबुक के बारे में, फेसबुक हैक होने का बहुत ज़्यादा आजकल आता रहता है अखबारों में। एक्चुअली मैं मैडम से बताना चाहूँगा कि फेसबुक नॉर्मली जो हैक होने का आता है ना, वो हैक नहीं होके और होता ये है कि लोग आपकी फेक आईडी बना लेते हैं। वो कैसे बनती है कि जैसे सपोज करिए आपने व्हाट्सएप पर आपकी फ़ोटो डाल रखी है या फेसबुक पे कहीं फ़ोटो डाल रखी है, तो फोटो बहुत ईजी सी चीज़ है जो हमारी नेट पर इधर उधर घूमती रहती है, आपकी प्रोफाइल पिक है, आपकी और कोई पिक है, तो उसी पिक को लेके और दूसरा व्यक्ति किसी और नाम से आईडी बना लेता है। तो अब नाम तो सपोज करिए आपका तो पिंकू शर्मा है और किसी ने पिंकी वर्मा के नाम से आईडी बना ली, फोटो लगा दी आपका, आपके किसी जानकार को दिखेगी तो फिर वो कहेगा रही है तो मैडम की आईडी हैक हो गई। एक्चुअली आईडी हैक नहीं हुई, वो आपका आपके फोटो को यूज करते हुए किसी ने फेक आईडी बना ली। तो एक तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरा आईडी कैसे हैक होती है, आईडी हैक होती है अगर आपका पासवर्ड कमजोर है, किसी को पासवर्ड मालूम लग गया है, तो इसीलिए अपना एक तो पासवर्ड अच्छा सा सेट करना चाहिए, मैं नॉर्मल टाइप के पासवर्ड जिसको लोग अनुमान लगा सके ऐसे पासवर्ड नहीं होने चाहिए, और वो भी टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहें, ये इसमें बचाव का उपाय है। पिंकू शर्मा मैडम आप सुन रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे बीच में? हाँ हाँ थैंक यू, हाँ बिल्कुल सर अब यही करेंगे, थैंक यू सर जी। एक कैलाश जी सर की तरफ से एक सवाल आया था कि इनके इनका बेटा सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहा है और आंखों में चश्मा, आंखों में चश्मा होना कोई उसमें नहीं है, योग्यता में शामिल नहीं है। हाँ ये जरूर है उसमें आंखों का जो एक वो देरखर रहता है, मतलब पर्टिकुलर मेडिकल दृष्टि से नाप, तो वो क्या है उसमें वो फिट होना चाहिए। हमारे कई मेरे हमारे साथ कई साथियों के चश्मे उस टाइम से लगे हुए थे जब वो भर्ती हुए थे, तो चश्मा लगना कोई इसमें कोई नियोग्यता में शामिल नहीं है। राजा राम जी गुर्जर का सवाल था, राजा राम जी आपने कहा था टीचर से आप पुलिस में क्यों आए, आपने उसमें क्यों नहीं गए? एक्चुअली पुलिस मुझे इससे पहले मेरा सब इंस्पेक्टर में भी हो गया था, बट मेरा उस टाइम वास्तव में पुलिस में जाने का नहीं था ज्यादा मानस, तो मैंने सब इंस्पेक्टर 2007 में आरएएस के आसपास ही सब इंस्पेक्टर वैकेंसी भी आई थी, वो भी मेरा क्लियर हो गया था, बट फिर मैंने उसमें फर्दर जो प्रक्रिया होती है फिजिकल की मैंने उसमें भाग नहीं लिया, तो उस टाइम मेरा पुलिस में जाने का मानस नहीं था। लेकिन आरएएस में भी जब मैंने मेरी चॉइस दी तो फर्स्ट चॉइस मेरी आरएएस थी, दूसरी आरपीएस थी, तो मुझे राजस्थान पुलिस सर्विस मिली। और आज मैं इस सेवा में आने के बाद अब फील करता हूँ कि मेरा चयन बिल्कुल सही था। पुलिस सेवा हमें समाज सेवा के बहुत मौके देती है जो कई बार हो सकता और सेवाओं में नहीं हूँ, और तो मुझे लगता है कि मैंने पुलिस में आगे कोई गलती नहीं करी। सचिन जी सचिन जी ने एक विचार बीच में रखा था कि साहब हमारी इतनी 68 करोड़ के लगभग लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, और अब वही है सर टेक्नोलॉजी हो चाहे अन्य कोई चीज़ हो वो यूज करने वाले पर डिपेंड है। घर में सामान्य जैसे चाकू भी होता है तो वही कहते हैं भाई ये चाकू सब्जी काटने के यूज भी हो सकता है, किसी को चोट पहुंचाने के काम में भी आ सकता है, उसी तरीके से
जैसे बिजली है तो बिजली हमारे इतने सारे उपकरण चलाती है, लेकिन बिजली से अगर किसी को करंट लग जाए तो नुकसान भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी के फायदे बहुत हैं, तो फायदों के कारण इसको हमारे साथ लेके चलना ही चलना है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन सावधानियां रखना जरूरी है। दूसरा, चूंकि हम लोग शिक्षक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपको न केवल खुद को बचना है, दूसरों को भी बचाना है, बच्चों को सही शिक्षा देनी है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की पोस्टें इस पे कई बार व्हाट्सएप फेसबुक पे चलती रहती है। इसके अलावा जय राम जी, अशोक कुमार जी वीडियो ऑफ कर लो, कई बार और गंदी तरह की पोस्टें चलती रहती है। तो हम न केवल खुद सचेत रहें बल्कि दूसरों को भी सचेत करें। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों की बातों का जवाब दे दिया, और कोई साथी अगर कुछ बात करना चाहे बोलना चाहे तो बीच में आ सकता है। टेक्नोलॉजी शिक्षा संबंधी जो प्रेरणादायक जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। राकेश जी से एक सवाल था सर मेरा, साइबर कर ₹30,000 निकल गए थे, तो उसके किस प्रकार पुलिस के द्वारा कार्रवाई होती है, किस प्रकार वो वापस आने के चांस रहते हैं या क्या करें? तो कैलाश जी का भी हैंड रेज हो रखा है, तो कैलाश जी का सवाल भी ले लेते हैं। हाँ कैलाश जी बोलिए। जी सर नमस्कार, मैं कैलाश गुप्ता हूँ, जिम प्रेमजी फाउंडेशन में काम करता हूँ मालपुरा में। मेरा सवाल ये था, सवाल कह दीजिए चाहे इसको एक मंथन का बिंदु कह सकते हैं, कि और प्रोफेशन में भी जिस तरह से तकनीक का और इंटरनेट का सब चीज़ों का यूज बढ़ा, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले लोगों द्वारा की जा रही थी वो मशीनों और टेक्निक के द्वारा हो रही है। तो एजुकेशन में भी अगर यूँ देखें तो लोग ये तो मानते हैं कि तकनीक का और इंटरनेट वगैरह का यूज करने से चीज़ें बेहतर हो रही होती है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से शिक्षक के मन में ये चीज आ सकती है कि हमारी नौकरी या आने वाली पीढ़ी को नौकरी का खतरा है, उनको उस तरह का जॉब कम मिलेगा, जैसे बैंक वगैरह में उतने चांसेस नहीं है जितने पहले लोग नौकरी क्या करते थे। तो एक तरफ तो ये दुविधा होती है कि तकनीक का और इन सब चीज़ों का यूज करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, दूसरी तरफ इस तरह का भी लग रहा है कि फिर उस तरह के जॉब्स कम हो जाएंगे। तो आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, आपके क्या विचार है इस पर? मैं सचिन जी की बात का पहले जवाब देना चाहूँगा। सचिन जी 30,000 रुपये आपके चाचा जी के आपने बताया, इसमें दो चीज़ें होती है। पहला तो है कि अगर सपोज करिए जैसे ही पैसे निकले या पैसे आपके कटे उस टाइम ही आप बैंक को बैंक की हेल्पलाइन पे जानकारी दे दें तो कई बार बैंक उस ट्रांजेक्शन को रोक देता है और पैसे वापस भी आ जाते हैं। एक इसमें रहता है 3-4 दिन का शायद इसमें प्रावधान रहता है कि अगर बैंक की गलती से कोई दुर्घटना किसी ग्राहक के साथ हुई, बैंक की गलती से कोई इसका वो पैसा डिडक्ट होता है तो बैंक उसको वापस करता है। दूसरा है अगर मान लीजिए हो गई है ठगी और फिर हम FIR अगर करवाते हैं तो FIR करवा सकते हैं, FIR का इन्वेस्टिगेशन होता है। बट मैं आपको इसमें फ्रेंकली कहना चाहता हूँ, मैं पुलिस सेवा में हूँ, ये चीज़ें वो कहते हैं ना चारे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। एक्चुअली इंटरनेट की दुनिया इतनी विशाल है और ये लोग जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इतने उन्नत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनकी सिम फर्जी मिलेगी, उनका अननोन नंबर से स्पूफ कॉलिंग, मतलब स्पूफ कॉलिंग का मतलब होता है कि वो अगर कॉलिंग भी करते हैं तो नंबर कुछ और डिस्प्ले होता है, वो कॉल ओरिजिनेट कहीं और से होता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, अंत में वहाँ तक पहुँच भी जाए, जैसे कई बार हमारे यहाँ से एक टीम पहुँची के साथ झारखंड का कहीं एड्रेस आ रहा है तो झारखंड में जिस बंदे का एड्रेस आ रहा था वहां तक पहुंच भी पता चला गई वो तो मजदूर निकला, वो बेचारे उसने तो कभी फोन ही इस्तेमाल नहीं किया, उसके नाम से वो के साथ लाखों की ठगी होगी। तो इसमें चांसेस थोड़े से वीक रहते हैं, बट फिर भी रिपोर्ट जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें अपने को हम रिपोर्ट करें तो कोई ना कोई रास्ता निकलने का चांस रहता है। कैलाश जी के सवाल पे आता हूँ मैं। कैलाश जी ने बहुत अच्छी बात कही,
कि टेक्नोलॉजी को हम किस तरह से देखें, उम्मीदें भी रहती है आशंकाएं भी रहती है, तो सर मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी आशंकाएं कितनी हो। हेलो, हाँ बोलिए सर, आ रही है आवाज। आशंकाएं कितनी हो, जिस चीज को आप रोक नहीं सकते, बेटर होता है कि आप उसको उससे उसके साथ निभाना सीख लें। ठीक है, परिवर्तन आज तक ना तो कोई रोक पाया, न रोक पाएगा। आप लोग, हम लोग, हम सब लोग जब छोटे छोटे थे, आज से 25 साल पहले जब स्कूल में थे, आपके सेकेंडरी स्कूल में, इस तरह के निबंध हमें लिखवाए जाते थे, बताओ कंप्यूटर, कंप्यूटर फायदेमंद है नुकसानदायक है, तक पक्ष में विपक्ष में तर्क वितर्क होते थे। आज हम देखते हैं कि भले ही कई लोगों ने, जैसे बैंकों ने बहुत बड़ी हड़ताल करी थी कंप्यूटराइजेशन जब बैंकों में लागू हुआ था, बट गवर्नमेंट ने लास्ट में अल्टीमेटम दे दिया कि आपको अडोप्ट करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति कंप्यूटर सीख ले तो भैया 3 महीने में सीख के वापस नौकरी कर ले, नहीं सीखेगा तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो जब चीज़ें टेक्नोलॉजी आई गई है जीवन के हर हर क्षेत्र में आई हुई है, तो बेटर होगा कि हम अपने बच्चों को भी उसी तरह से एजुकेट करें, उनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाएं, उनके टेक्नोलॉजी में अच्छी चीज़ें बताएं क्या, और नुकसानों से बचने का उपाय बताएं। और हम खुद भी, जैसे मैं कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हूँ, लेकिन जो छोटा मोटा आता है उसके हिसाब से अपना काम करते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अगर कोई पूछ रही, आवाज आ रही है तो ये Hello? क्या दो सवाल ले सकते हैं क्योंकि Hello? समय होने को आया। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए अरुणा जी। हाँ मैं ऐसे कह रही हूँ कि मैं राकेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं बता रही हूँ कि जो साइबर है या फोन है इनका हो जाता है, मान लो आईटी के लिए आपने अभी बताया था, तो उसकी सुविधा के लिए जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति हो या कोई ऐसे इसमें हो गया हो तो आपके थाने में भी सुविधा तो होगी ना। शायद एक पद इसका बता रहे हैं क्योंकि अभी मैंने स्टेट की मीटिंग ली थी जब प्रीति जी वगैरह भोसे एसपी साहब वगैरह वो थे, तो उन्होंने यही बताया था कि आपके थाने में भी ये सुविधा कर रखी है सभी जगह, तो शायद ये सुविधा भी आपके थाने में होगी ताकि कोई परेशानी हो। रिपोर्ट तो हम कहीं भी कर सकते हैं थाने में, किसी भी थाने में, मान लीजिए आपके साथ में कोई साइबर ठगी होती है या कई कई चीजें तो ऐसी होती है जिनसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। मान लीजिए मेरी आईडी किसी ने बना भी ली, मुझे पता लग गया, मैंने अपने दोस्तों को बता दिया ये आईडी फर्जी है या फेसबुक पे दिया, तो उसमें हमारा नुकसान कुछ नहीं हुआ, तो उसको ज्यादा रिपोर्ट करने से कोई मतलब नहीं। हमें अगर किसी चीज से नुकसान होता है तो जरूर उस चीज को हमें रिपोर्ट करना है। तो सर आखिरी सवाल हरपाल जी का है, फिर हम सर, आज की चर्चा को यही विराम देंगे। मेरा भी एक सवाल है सर, अमित शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ। सर आपको धन्यवाद सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो प्रदत्त जो जानकारियां हैं वो हमारे लिए निश्चित रूप से लाभप्रद सिद्ध होंगी। मेरा सवाल सर ये है कि जो आप, चूंकि आप पुलिस विभाग से हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई इस प्रकार का कोई प्लेटफॉर्म है जिस पे कि हम हमारी ग्रीवेंस जो है, हमारी शिकायतें जो हैं, जो हम बिना थाने में जाकर, जहां पर हमारे साथ में जैसे मान लो कोई पीड़ित है और या फिर कोई महिला है उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, तो वो वहीं से अपने फोन के माध्यम से या कोई ऐसा नंबर हो जिस पर अपनी शिकायतें दे सकें। चूंकि मैंने देखा है कि जैसे मैं भी एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ एक लोगों के पास में फिक्स जो लोग होते हैं जो थाने से संबंध रखते हैं, उनके पास मोबाइल नंबर होते हैं और बाकी नंबर होते नहीं है। तो मैं ऐसा जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो या फिर ऐसा कोई एप्लीकेशन हो जिसमें कि आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकें, सर इसके बारे में आप सुझाएं। और दूसरी चीज ये कि चूंकि एक अध्यापक, तो मैं चाहूंगा कि जो पुलिस थाने के जो नंबर हैं वो हर एक विद्यालय में लिखे होने चाहिए, ताकि विद्यालय की बच्चियों को और कम से कम पंचायत पर भी लिखे हुए होने चाहिए। धन्यवाद सर। आपका बात बहुत ही जायज है। बीट कॉन्स्टेबल्स हमारे हर एरिया में होते हैं, मतलब हर एक, जैसे कोई भी थाना है, थाने में 25-30 जितने कॉन्स्टेबल होते हैं, तो उस थाने के जो गांव हैं उनको एक एक कॉन्स्टेबल को एक एक दो दो गांव का एक बीट कॉन्स्टेबल नियुक्त किया जाता है, वो बीट में जाता है, डाकोती में संपर्क में रहता है। तो एक तो बीट कॉन्स्टेबल के नंबर जगह जगह हमने लिखवाए हुए भी होते हैं, होता ही है कि एक बार नंबर लिखा दिया कुछ दिनों बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो वो थोड़ी सी, लेकिन इसमें एक तो मैं आपको बताऊं, 100 नंबर पुलिस का यूनिवर्सल नंबर है इंडिया में, 100 नंबर पर हम कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लैंड होता ही होता है, एक बात। दूसरी बात है, ऑनलाइन भी आजकल क्या कर सकते हैं, रास्ता पुलिस.gov.in
उस पे जाके और उस पे सूचना देने का, क्राइम की सूचना देने के लिंक्स हैं, उन पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक राजकोप सिटीजन करके एक ऐप आता है, राजकोप सिटीजन ऐप कोई भी सिटीजन डाउनलोड कर सकता है, छोटी मोटी कोई भी शिकायत है उस पे वो डायरेक्ट कर सकता है। तो इसके अलावा जैसे महिलाओं के लिए 1090 एक हेल्पलाइन है, वो एक है, बच्चों के लिए 1094 है, इस तरह से हेल्पलाइंस हमारी बनी हुई है, उन पे भी हम कॉल कर सकते हैं। वो मैं आपको अलग से मैं एक बार मुरलीधर जी से सर के साथ वो नंबर में शेयर कर लूंगा, वो अपने ग्रुप में सबको शेयर कर दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, धन्यवाद सर। तो हरपाल जी, काफी टाइम से आपका हैंड रेज है, तो हरपाल जी का आखिरी सवाल है, फिर हम चर्चा को यही विराम देंगे। हाँ हरपाल जी, आप अपनी बात रखो। सर, मैं एक दशक से पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो सर क्या मेरे को जैसे पेड़ पौधों को चरागाह या सार्वजनिक जगह होता है तो उसको मैं जैसे उसे काटते हैं तो उसे मैं मना करता हूँ, तो मना करता हूँ पेड़ों को नुकसान मत करो ये, और तो ये बोलता हूँ तो लोग क्या है कि मेरे को ये फायदा देखते हैं कि ये तो गवर्नमेंट टीचर है या ऐसे, तो मेरे को मतलब एक पछाने की साजिश FIR करे तो मैं क्या करूँ उसके लिए, ये जानना चाहता हूँ सर। ठीक है गुरुजी, हर अच्छे रास्ते में कुछ कांटे और कुछ मुसीबतें आती हैं। आप अगर पर्यावरण के सेवक रक्षक हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई झूठा फंसाना चाहता है, झूठी FIR कराना चाहता है तो झूठी रहती है। FIR कराना कोई अपराध का साबित होना नहीं है कभी भी किसी भी केस में। जैसे कभी कई व्यक्ति बहुत डर जाता है कई बार, अरे साहब मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई थाने। रिपोर्ट दर्ज होना तो केवल सूचना देना होता है, उस रिपोर्ट पे फिर जांच होती है, जांच में अगर रिपोर्ट सही पाई जाती है, उसके आरोपों में कोई दम होता है तो जाके उस पर कोई एक्शन होता है, अदरवाइज झूठी रिपोर्ट का कहीं कोई वो नहीं। दूसरा, थाने में एक पक्ष कोई रिपोर्ट कराता है तो ठीक है, आप भी अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपनी तरफ से रिटर्न में और मौखिक जाके अपना स्टेटमेंट वहां पर दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी ने आपके खिलाफ शिकायत दे दी तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, कार्रवाई किसी कहने से नहीं होती है, वो सबूत पाए जाने पर, तथ्यों में वास्तविकता पाए जाने पर होती है, ऐसे नहीं होती। तो आप निश्चिंत रहें, अच्छे कामों में परेशानी आती है तो भाई वो परेशानियां झेलने के लिए हमें तैयार रहना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी सर, तो धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे कि आज समय भी काफी हुआ, 1 घंटा और 10 मिनट हो गई और यही टाइम था अपना, 1 घंटे के आसपास समय हमने रखा था आज के विचार के लिए, परिचर्चा के लिए। मुरली जी। हाँ सर। मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं केवल सर को धन्यवाद देना चाहूँगा और इनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छा लगा मुझे इनका, और जो इनका उच्चारण है, एक शिक्षक रहे हैं इसलिए इनका उच्चारण बहुत शानदार है सर, जो श है वो श तीनों अलग उच्चारण कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा उच्चारण है इनका, और इनकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी है सर। थैंक यू, धन्यवाद। ख्याल से चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी स्कूल खुले तो एक बार ऑफलाइन मीटिंग जरूर रखी जाए। तो सर आप हमारे आग्रह पर आज हमको बड़े व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर हमारे बीच में आप आए और टेक्नोलॉजी के सार्थक उपयोग पर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ रखा, हमारे सामने रखा, सबके बीच में रखवाए, कई सारे सवालों का समाधान भी आपने बताया और सभी साथियों के कह भी रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि आपने बहुत कुछ नया सीखा है आज तकनीकी का उपयोग करने में, किस तरह से उपयोग करें, किस तरह से अभिभावक सजग रहे, जागरूक रहे, किस तरह से शिक्षक साथी टेक्नोलॉजी का और अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए आपको हम सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपका, और आगे भी हम आपसे अनुरोध करते रहेंगे कि समय समय पर आप हमारे साथ आइए और हमको इस तरह से मार्गदर्शन करते रहें हमारा, ताकि हम आगे और अच्छा काम बच्चों के साथ कर सकें, एज ए अभिभावक हम अच्छे से अपनी भूमिका को निभा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर, धन्यवाद। और शिक्षक होने के नाते आप जिस विद्यालय में हैं उस गांव को भी आप लोग जो है, हालांकि अब कोरोना ढलान पे है लेकिन अभी सावधानियां रखना बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अब हम चर्चा को विराम देते हुए लीव हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं।